रीवा के गोविंदगढ़ का सुंदरजा आम देश विदेश तक अपनी महक पहुंचा रहा है। वैज्ञानिकों की मेहनत के बाद अब सुंदरजा आम जीआई टैग प्राप्त आम बन गया है। सुंदरजा आम के जीआई टैग मिलने से न सिर्फ सुंदरजा आम को एक अलग पहचान मिली, बल्कि इसका लाभ अब अन्य आमों को भी मिल रहा है। कुठुलिया अनुसंधान केंद्र की 60 एकड़ जमीन में लगी 237 प्रजातियों के आमों का टेंडर जो इस वर्ष हुआ है, वह पिछले वर्ष की अपेक्षा दुगने से भी ज़्यादा है। इस वर्ष पूरे बगीचे का टेंडर 18,71,000 में हुआ है, जबकि पिछली बार यही टेंडर 7,11,000 रुपये का था। रीवा के इस अनुसंधान केंद्र में देसी प्रजातियों सहित विश्वख्याति प्राप्त गोविंदगढ़ का जीआई टैग आम, सुंदरजा व अमेरिका प्रजाति के आम मल्लिका और आम्रपाली जैसे सैकड़ों आम खाने को मिल जाएगा। दरअसल रीवा के फल एवं अनुसंधान केंद्र कुठुलिया में वैज्ञानिकों द्वारा आमों की विभिन्न प्रजातियों की खेती कर उनमें शोध कार्य किया जा रहा है। रीवा के सुंदरजा आम को जो जीआई टैग दिलाने में यहाँ के वैज्ञानिकों ने कड़ी मेहनत कर जो शोध तैयार किया, उसके आधार पर ही सुंदरजा को देश विदेश में एक अलग पहचान मिली है। अनुसंधान केंद्र में करीब 60 एकड़ जमीन पर आमों की विभिन्न प्रजातियां उपलब्ध हैं, जिनमें शोध किया जाता है और अच्छे किस्म के आमों की खेती के लिए किसानों को उपलब्ध कराया जाता है। की भी है, इंडिया के बाहर की भी, बाहर की इन द सेंस जैसे आप मानिए कि अमेरिका का आम है, जो इरबिन सेंसेशन यहाँ का आम है, अमेरिका का, फ्लोरिडा का, वो भी यहाँ पे लगाया गया है। यहाँ के जो लोकल वेराइटी सब हैं, लगड़ा, दशहरी, चौसा, फजली, सब मिला के इसका कलेक्शन टोटल हमारा 237 प्रजाति यहाँ पर लगाई गई हैं। उसी का हम अपने यहाँ पर मूल्यांकन करते हैं, जो इस पर अच्छा रिजल्ट आता है 10 साल 15 साल पर, उसी को किसानों को हम सप्लाई करते हैं। हाँ, अभी इस बार टेंडर का जो हमारे यहाँ मैंगो का, क्योंकि हमारे यहाँ जो बाग है वो जीआई सर्टिफिकेट से भी प्रमाणित है सुंदरजा आम, तो इस बार हमारा आन ईयर भी है। कहते हैं ना, आम में एक ऑफ और आन ईयर दो तरह के होते हैं, तो इस बार मेरा आन ईयर है प्रोडक्शन वाला। पिछली बार जो आम का हमारे हुआ था ऑक्शन, वो 7,11,000 में ऑक्शन हुआ था। इस बार फ्लोटिंग टेंडर जो हमारे यहाँ हुआ है वो मैक्सिमम आपका 18,71,000 में गया है। इस बार हमारे कोई इलाहाबाद का आदमी है, कोई उन्हीं ने टेंडर को लिया है इस बार, तो पिछले साल की अपेक्षा इस बार हमारा अच्छा इनकम है। देखिए, हाई प्राइस का इस बार टेम्परेचर भी हमारा साथ दिया, अभी तक आंधी उंधी नहीं आया, और हमारा जो सुटेबल रहा कि इसमें लासी लगती है मैंगो में, हॉपर लगते हैं, वो अभी तक लगा नहीं। हमारा बाग अभी फ्रेश है, तो जो फ्रूट डैमेज होते हैं वो कीड़े से मकोड़े से, वो हमारा बचा रहा। और सबसे बड़ा लॉस होता है, आधी उधी आ जाती है तो उससे लॉस हो जाता है, क्योंकि टेंडर हमारा लेट हुआ, हमारा टेंडर पहले ही हो जाता था, इस बार चुनाव की वजह से थोड़ा लेट हुआ, तो अगर आधी आता तो लॉस होता, तो टेंडर उतना तो फ्लोटिंग न होता। और चूंकि जीआई टैग भी हुआ है तो उसका भी रीज़न है सुंदरजा आम का, तो उस वजह से भी यहाँ